हाँ तो देखिए, आप लोगों के समक्ष ये लोकगीतों का प्रोग्राम, जो पूर्वी लोकगीत, इसमें आप लोग ये सुनेंगे कि आजकल की फुहरियाँ हैं ना, फुहरियाँ वो कैसी होती हैं। तो ज़रा आप लोग ध्यान दें कि उनके निशानी कैसी होती है तथा उनके चाल ढंग कैसे होते हैं। तो ये राजपूत कैसेट के माध्यम से ये पूर्वी लोकगीत हम आप लोगों के सामने पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक घर पे एक ही औरत, लेकिन है कैसी? फूहड़। अब फूहड़ तो जानते हो उसका रंग ढंग कैसा होता है। तो आइए राजपूत कैसेट के माध्यम से इस फूहड़ के सुने कि वो कैसी फूहड़ है। कि जिन घर फूहर ऐसी हो, जिन घर फूहर ऐसी मेहरिया, वो घर कैसे सुधरी। और कैसे सुधरी हो भैया, कैसे सुधरी। राजपूत जरा सुन ले, कैसे सुधरी हो भैया, कैसे सुधरी। जिन घर फूहर ऐसी हो जिन घर फूहर ऐसी मेहरिया, वो घर कैसे सुधरी। हो जिन घर फूहर ऐसी मेहरिया, कैसी जूरा खोली बैठी डेहरी पर, खबर खबर खजुआ बैठी गई मोहरा पर, एओ देखत जाती जूरा खोलो खबर 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 खजुआ चली जाती। जूरा खोली बैठी डेहरी पर, खबर खबर खजुआ में, महापुरुष की कौन कहाई जेठौ मानाई नहावे। हाँ, महापुरुष के पाला चलो छोड़ो, जेठ बैसाख नहीं नहाती। महापुरुष की कौन कहाई जेठौ मानाई नहावे, कबहू कबहू सुनो ता। अरे कबहू धोबे ना घंघरिया, वो घर कैसे सुधरी। कबहू धोबे ना कैसे सुधरी हो भैया, कैसे सुधरी। जिन घर फूहर आइस मेहरिया, वो घर कैसे सुधरी। हो जिन घर फूहर आइस, जूरा खोल लो डेहरी पर बैठी की खबर खबर खजुआन लगी। कब नहाते नहीं, कभी कपड़ों को नहीं धोया। दूसरी पहचान, अरे फूहड़ उसकी पहचान कैसी है, चूल्हे पर आज दाल बनने के रख दई, पड़ोसिन के यहाँ पहुंच गई बतलान लगी। हाँ, तब तक एकदम से बोली पड़ी ओजी जी, अरे हम था हुआ चूल्हे पर, यहाँ दारी धरी आई हती, हाँ याद नहीं रही। अब जब तक वहां आई तो उसका पानी था, वो जल गया, दाले जलने लगी। दौड़ी और दौड़ के पानी उड़ेल दो। अब जैसे ही पानी उड़ेलो ना राजपूत भैया, जैसे पानी उड़ेला तो उसमें नमक कम पड़ गया, तो ढेर सा और नमक डाल दिया। अब कैसी बदारी बनी गई, आधो नमक किस किसी रोटी और पचपची दौरी। और का आधो नमक हुई गो, हाँ तो इसे यही आई बहरा से हाथों नहीं धोए, और आटा गूथल लगी। हाँ, आधो नमक किस किसी रोटी और पचपची दारी, लड़का बच्चा रोटी मांगल चोटी दे फटकारी। लड़का बच्चा रोटी मांगल चोटी दे फटकारी, काटन दौरे जैस बनरिया, वो घर कैसे सुधरी। काटन दौरे कैसे सुधरी, भगवान ने बेड़ा पार लगा जी, घर में ऐसी फूहर नारी हो। अरे कैसे सुधरी हो भैया, कैसे सुधरी। जिन घर फूहर ऐसी मेहरिया, वो घर कैसे सुधरी। एक तो
जहां पहचानी। आप लोग सोचते हो कि ये कहा सुनाऊं लगे, लेकिन नहीं भैया, बहुत भारत देश बदल चुका, नारियां कैसी हो गई। लेकिन एक बात बताओ तो बड़ी शर्म लगत, बड़ी शर्म लगत। कौन सी बात सुनो? हाँ तो सुना रहे, सुनो। रहा गलिन मा टट्टी फिरती भसर भसर बतला। हाँ और का, लोटा लेके पहुंच गई राह में बैठी गई, जिसमें करे जो ओह करी एकदम सिंगल से ठाणी हुई गई। रहा गलिन मा टट्टी फिरती भसर भसर बतला। एक लोटा है संग पानी का, औरो सुन ले। अरे फुहर, ये फुहर की निशानी है। लोटा एक संगम फिन कितनी टट्टी गई दस, धन्य भगवान। एक लोटा है संग पानी का, दस फिरने को जाती। दस जनी गई बीच में लोटा धलो, चारों गिद्धी बैठी, मानव कलश पूजा होन लगी। एक लोटा है संग पानी का, दस फिरने को जाती। मानव दिखे, अरे मानव दिखे, कलश पूजनिया वो घर कैसे जिन घर फूहर आइस मेहरिया, वो घर कैसे सुधरी। जिन घर फूहर आइस मेहरिया, ये फूहड़ों की पहचान है। लेकिन केवल फूहड़ ही नहीं, भारतवर्ष में बहुत सी देवियां हैं, बहुत सी नारियां ऐसी भी हैं अपने पति के कार्य में हाथ भी बटाती हैं। पहले क्या था भारत में कि खेतों पर जाते देखिए, एक किसान वो भी खेतों पर है, तब तक उसकी पत्नी यानी किसानिन पहुंच गई है खेत के पास में। अब जैसे पहुंची तो आज दूर से ही बुलाती है उंगली के इशारे से। कैसे बताओ तो है, कैसे बुलाओ? बताओ बताओ भाई। घेंघरा पहने हुए, चुनरिया ओढ़े हुए। अब लेकिन लज्जा है, लोक लज्जा है। अब आजकल देखो जूरा खोलो जाते, जूरा में ही टमाटर बांध के ले जाती, कितने जूरा जिससे बड़ो मालूम हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज जब वो देखा है पहुंची है तो अपने पति को उंगली के इशारे से बुला रही है। और क्या कहती है कि उंगली के इशारों से, उंगली के इशारे से आज बुलाती है। अब कहती रउआ ही ने, अब रउआ माने जानते हो, रउआ कहते हैं प्रेमी को तथा पति को। उंगली के इशारों से, अरे बुला बलू सामल गोरिया रउआ ही ने आबो। कहती ही नहीं आबो, खेतम नहीं, इसलिए हम तुम्हारे लिए भोजन ले खाने ले। देखो निबिया की छहरी कितनी सुंदर लगे, ठंडी ठंडी हवा चल। अब यहीं बैठ जा, थोड़ी दो रोटी खा ले वो, और उसके बाद हम काम करो जाए। धन्य है। अब बोलो जिसके घर में ऐसी नारी हो जाए उसका तो समझ लो भाग्य ही निराला है। क्या कहती कि रउआ ही नहीं आबो, कि रउआ ही नहीं आबो, लाई हूँ रोटिया तुम्हारी रउआ ही नहीं आबो। अब देखिए अपने खाने की प्रशंसा कर रही है, सुनो हम कैसी रोटी लाई हैं। उसका पति खेतों से ही हाथ करा रहे, भाई यहाँ ले आओ, यहीं आ जाओ। देखो निबिया की शहरी बड़ी सुंदर लगती है ना, अब बड़ी सुंदर रोटी बना करके लाई, चूल्हे की रोटी है ना, मोटी मोटी कैसी।
मोटिया ठंडा ठंडा पनिया मोटी मोटी भिंडी का सलन वालाई संग में मिर्च धनिया का सालन है मिर्च धनिया है लेकिन आज बुलाती कैसी है फसलवा की ओटी प्यारे फसलवा की ओट यानी जो फसल खड़ी हुई है मक्का की तो उसकी ओटी से बुलाती है फसलवा की ओटी प्यारे चुनरिया को डाल रउआ ही नहीं आबो रउआ ही नहीं आबो क्यों लाई हूँ रोटिया तुम्हारी रउआ ही नहीं आबो लाई हूँ रोटिया तुम्हारी रउआ ही नहीं आबो और क्या बोली जैसे ये कहा कि मैं मोटी मोटी रोटियां लाई हूँ भिंडी को सलनवा है अरे आई जो है ने पहले हुए अपनी पत्नी की बातों को सुना किसान एकदम से उठकर लई खुरपिया हाथ में उचल दिया रनिया की बतिया सुनी चला है किसानों की बतिया चल दिया और क्या किया धरती आप पे बैठ गई ले धरती आप पे पनिया को डाल रउआ ही नहीं आबो हो रउआ ही नहीं आबो लाई हूँ रोटिया तुम्हार रउआ प्रसन्न होता है क्या कहता है हरी हरी खेतिया हवा में लहराए हरी हरी अपनी किसानिया को खेतुबा दिखाए और क्या कहता वो सुना अरे इधर आओ ना क्या इधर तो आओ देखो अपनी खेती कितनी सुंदर कैसी लहरा रही हरी हरी खेती है ना आओ हमारी तो ये इच्छा है क्या देखो जो अपना वो 2 एकड़ का वो खेत पड़ा हुआ हाँ 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 अब की हमारी ये इच्छा है उसमें जरा हम कुछ आमवा के पेड़वा लगाई दे हाँ हाँ क्यों ना है? सुंदर आम हुई है धरती का श्रृंगार हुई है ना हाँ धरतिया को मिलके करवे धरतिया को मिलके करवे पेड़ बस धार रउआ ही नहीं आबो रउआ ही नहीं आबो लाई हूँ रोटिया तुम्हारी रउआ लाई
हूँ बोटिया तुम्हारे रउआ आज इस प्रकार से देखिए कितनी हृदय में उस किसान ने अच्छी बात सोची। कहले तुमने सुना नहीं हमारे बोध एकड़ का खेत ना उसमें अम्बुआ की पेड़वा लगाई। हाँ 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 आज जैसे उधर वो किसनवा अपनी किसान से कह रहा कि अम्बुआ की पेड़वा लगाई, लेकिन इधर क्या है कि जैसे देखा तो एक दिन की बात है वो किसान जो था कहीं चला गया। तो जब आज किसान चला गया उसकी जो किसानिन है वो आज रात में अकेले धीरे धीरे से फुहार पड़ रही। सावन का महीना है, लताएं आज हिलोरे खा रही हैं, रात का समय और इधर बिजली चमक रही है। तो आज वो कहने लगी अपने स्वामी के विरह में, क्या बोली सुनो भैया राजपूत, कि बदरिया बरसे पिया घर नाही, बदरिया बरसे वो कहाँ गया किसान मलियावादी अमुआ के पेड़वा खरीदने के लिए, वहां उसे एक रात गुजर गई। तो इसलिए उसी रात में ये अपने स्वामी की याद करती, अपने किसान की याद करती, क्या बोली बदरिया बरसे पिया घर नाही, बदरिया बरसे। सोचती है हमार तो स्वामी अम्बुआ की पेड़वा खरीदन गए, लेकिन इधर आधी रहना है, जाग पड़ी बिचारी एकदम से चौंक पड़ी। क्या सोचती है दौड़ी दौड़ी बागन मा मड़ रे भमरुआ, दौड़ी दौड़ी बागन मा एक टक त्याखे हाय छलिया देवरुआ। भाई निराई करेला जो साथ में निराई करने के लिए देवरा जाता, छोटा सा है छुटकौना जिसका नाम है, वो देख रहा कि हमार भाभी सोई नहीं, तो बार बार देखता रे भाभी क्या बात है, काहे भाई निधिया नहीं आई। दौरी दौरी बागन मा मणि रे भमरुआ, एक टक त्याखे हाय छलिया देवरुआ। और क्या हठिया, अरे हठिया हठिया मानती नहीं, बदरिया बरसे पिया घर नहीं, बदरिया और क्या चमके बिजुरिया दर पे दियरुआ, चमके बिजुरिया छाई अंधेरिया गरजे बदरुआ, अंधेरिया छाई बादल गरज रहा, हमको अच्छा नहीं लागत, छुटकाऊ ना तो हार भैया नहीं आए अभी। चमके बिजुरिया डर पे दियरुआ, छाई अंधेरिया चमके बदरुआ, अरे निदिया अरे निदिया अरे निदिया आवती नहीं, बदरिया बरसे पिया घर नहीं, बदरिया।
हवा में छाए चले गए। भला बताओ आवाज गान कर लेगा भाई नहीं है। मोर पिया परदेसवा में छाए रिमझिम पर से पनिया न भाए और पापी मोरवाइस बोले लाग जो हमें दिया नहीं आवे। अरे मोरवा की भाकन भाई बदरिया बरसे पिया घर नाई बदरिया 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 बरसे पिया घर नाई बदरिया बदरिया पर से पिया घर नहीं बदरिया पर से पिया घर नहीं। अब देखिए तब तक क्या हुआ सवेर बा भाइयो किसान भाई गवा और जो किसान आयो अरे वो छुटकौना की भाभी एकदम से घेंगरा चुनरिया सर पे पड़ी हुए घेंगरा पहने है दौड़ पड़ी है आई गए हाँ अरे बड़े सुंदर पेड़वा है हाँ हाँ चल चले उस खेत में ये पेड़वा लगाई दे अब वहां देखो तब तक ऐसा करो तुम चले जाओ उस मकई के खेत में अब मकई के खेत में जब जाई हो तो उसमें जो है बड़ी चिड़िया मकई को खाती चली जाती है ना तुम जाओ अब उनको उड़ा देना मचनवा पे चढ़ जाना है हाँ पहुंच गई है अपने जैसे ही पिया की इन बातों को सुना पहुंच गई हाथ में जिसके डीले हैं चिड़ैया जो थी वो चुंग रही जैसे आज पहुंची तो लेकर के एक छोटा सा डीला हाथ में लिया और चलाने लगी कैसे चलाती भैया सुनो बताओ तो है कैसे चला बते कि मकई के खेतवा में छोटे छोटे हाथवा से और का छोटे छोटे हाथवा दिलवा चलाई रही कैसे चला बते सुनो भैया राजपूत मुस्कुराई रहे अच्छा कोई बात नहीं मकई के खेतवा में छोटे छोटे हाथवा से दिलवा चलावे गोरिया मकई के खेतवा में दिलवा चलावे गोरिया हाथ में डेलवा लेके चलावन लागी देवरा साथ ही लगो हाल क्या हो रहा है इतने डीले चलाए चिड़िया उड़ रही हैं लेकिन उसका हाल क्या हो गया बदरिया का घमवा है आखिन का कजरवा आज गालों के ऊपर आएगा मकई के खेतवा में छोटे छोटे हाथवा से दिलवा चलावे गोरिया दिलवा चलावे गोरिया आ आ आ मकई के खेतवा में छोटे छोटे हाथवा से दिलवा चलावे नैन का गरजवा चूमे गोरी के कपूल नैन का चूमे कपूलवा गोरिया अब
हवा कैसा है? बहन के घंघरबा पतली कमरिया, बहन के पहुंच गई लगोरिया खेतवा ओढ़ के चुनरिया, पहुंच गई ओढ़ के चुनरिया गोरिया। डरकी डरकी आवेला मांग का सिंधुरुबा, डरकी डरकी निराई करेला संग में गोरी का देवरुबा, निराई करेला गोरिया। मकई के खेतवा से छोटे छोटे हाथवा से दिलवा चला बे गोरिया। हाँ, ये पूर्वी लोकगीत आप लोग राजपूत कैसेट के माध्यम से, गायक संतोष कुमार मिश्रा। मकई के खेतवा में छोटे छोटे हाथवा से दिलवा चला बे गोरिया, ढोलक पर संगति कर रहे हैं गोपाल, घड़ा पर संगति राम मिश्रा, चिमटा मास्टर फूल सिंह, सहयोगी सर्वदानंद शास्त्री। मकई के खेतवा में छोटे छोटे हाथवा से दिलवा चला बे गोरिया, खेतवा में छोटे छोटे हाथवा से चलवा चला बे गोरिया। मांग का सिंधुरवा बहवे करके आने लगा है। हाँ, तो देखिए आप लोगों ने जैसे ये गीत सुने तो इन गीतों से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? इन गीतों से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि एक तो आपसी प्रेम पति और पत्नी में, कैसा प्रेम कि पति खेतों में निराई कर रहा है, पत्नी वहाँ पहुँच जाती है भोजन लेकर के, और दूसरा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है तथा दूसरी ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अपने जो खेत हैं उनमें जरा अगर हरियाली अपने जीवन में लाना चाहते हैं, अपने देश में हरियाली लाना चाहते हैं, तो आप भी वृक्षों का श्रृंगार करें, यानी आम के वृक्ष लगाएं अपने खेतों में, जिससे हमारे देश की ये जो है हरियाली वो आपके भी जीवन में हरियाली होगी। क्योंकि हमारे देश में भी ऐसा होता है, याद रखो हमारे देश की भी जो पक्षी हैं वो भी किस टाइम कौन से कैसे गाना गाते हैं कि हमारे देश। हाँ, तो देखिए इसी कैसेट में आपने ए साइड से पूर्वी लोकगीत सुने, अब बी साइड से मन कोरा का नकटा। नकटा का अर्थ होता है कि जिस समय घर से बारात जाती है तो उस समय कोई पुरुष तो होता नहीं, नारियां ही सभी होती हैं, तो घर की देखभाल भी जरूरी है, तो इसीलिए वो अपने हृदय में सोचती हैं कि जो समय ना कटा तो
तो हम तुम एक ऐसा कोई खेल खेलें जिसका नाम उन्होंने रख दिया नकटा, यानी जो समय ना कटा तो उन्होंने नाचने गाने में अपना वो समय काटा, तो इसीलिए इसका नाम होता है नकटा। नकटा है मनकोरा का। अब मनकोरा का नकटा कैसा है, जिस समय बारात जाती है तो उसी टाइम की ये बात है कि तनिक भैया नकटो सुन ले ध्यान तनी बहिनी इतको दे बरायत पठाई सबई मेहरी बैठ गई आंगन कोई डेहरी अब देखिए जिस समय बारात जाती है बड़ी विलक्षण रीति है बड़ी विलक्षण रिवाज है। हम एक बारात में गए तो उसमें मैंने देखा कि लड़का जो है वो जा रहा है अपनी माताजी को साथ में लिए हुए, साथ में सूप मथनिया सीकई फीकई आटा दियूल और सूप हम रखे दिया मूसर सब चीज ले चली जाए। हमने कहा भैया ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहने वो पंडित जी कुछ नहीं वो ऐसा है कुआं बारा है करवाने। कुआं बारो का होते कई कुआं बारे, कुआं के चारों तरफ लड़का जो है वो अपने बहनोई की गोद में बैठेगा और घूमेगा और अम्मा जो है वो कुएं में अपना पैर लटकाएगी और लड़का उनसे कसम खाएगा कुआं पर कि हाँ ऐसी बात है हम तुम्हें जिंदगी भर कमाई खवाइबो। हमने के भैया जो कुआं बारो ना करो कहाँ तो बड़ो डर लगत, इसलिए घर में कठौती में पानी नहीं रखी ले अब हेने कर ले जो रीति रिवाज रसम है हेने निपटाई लो। कह लेंगे नहीं नहीं वो तो हूँ जरूरी जेबे। हमने कहा तो अगर जरूरी जेबे तो फिर जाओ। अच्छा पहुँच गए हुआ। अब जैसे ही हुआ पहुँचे तो क्या देखा कि लड़का जो था बहनोई की गोद में आ गया और घूमने लगा फेरे। जैसे आज फेरे हो गए लड़के को उतार दिया सिंह के कुएं में डाली, अम्मा आज पैर अपना लटकाए हुए बैठी कुआं में। जैसे कुआं में बैठी तब तक क्या हुआ एकदम से अम्मा को पहुंचा पकड़ो लल्ला ने, उठो अम्मा हम तुम्हें जिंदगी भर कमाई खिलाइबो। अब जो पहुंचा पकड़ो तल एक पीछे नातेदार आई गए रिश्तेदार, जो उधर पहुंचा पकड़ो कि तुम्हें हम कमाई खिलाइबो। जैसे ये पहुंचा पकड़ा पीछे तले बहनों दंड पटक्का दागी दो। अब जो दंड पटक्का दागो तब का हुईगो एकदम से लड़का चौंक गो अम्मा चौंक गई अम्मा झमद कुआं मर गई। अब जैसे कुआं में झम्मत गिरी जाए बोले ले 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 अरे काहू को काहू कहने को कुछ नहीं बोले अम्मा कुआं में गिरी गई तो करहैया डारी गई। बड़ी मुश्किल से आज अम्मा ऊपर आई तो हमने कही पहले ही हमने कही थी कि जरा जो कुआं बारो ना करो वो बढ़िया है। तो उसी प्रकार बरायत तो पठाई सबई मेहरी कुआं बारा होकर के बारात चली गई बैठ गई आंगन कोई देहरी माताएं इधर बैठी गई देविन के छंद गाने लगी गाइन देविन के दुई छंद तुरत ढोलक कर दीनी बंद नाई बंद नाई हमारे ढोलक मास्टर ने ढोलक बंद कर दी। गाइन देविन के दुई छंद तुरत ढोलक कर दीनी बंद कहीं अब बहनी खाई पकाई सांझ का नकटो दिखियो आई या देविन के छंद बड़े विलक्षण बड़े विलक्षण। अब हम सुनाइए देविन के छंद कैसे है सुनो हम तुम्हें सुना मैं। एक बार की बात थी हम अपने स्कूल ही जा रहे तब जब स्कूल ही जाते थे झोला हमारे कंधे पर पड़ो हमारे उधर एक सुखेता है और उधर से कुछ माताएं अपनी बैलगाड़ी पर बैठी और जा रही यानी कहाँ देवी के मंदिर के पास। तब तक देखा सुखेता बिल्कुल सूखा पड़ा हमारी माताएं गाउन लगी हाय देखो का गौती अनेक अनेक प्रकार के इनके छंद देवी ने कैसे सुनो बताओ था का गौती है थी। सुखेता आगे सूखा पड़ा यानी उसमें पानी थोड़ी थोड़ा 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 है थोड़ी थोड़ी जगह पे
लेकिन भाई क्या गाने लगी, देवी दर्शन कैसे होई। हमने की का है, कौन सी आफत आई गई, कहीं नदिया अगम भरी देवी दर्शन कैसे होई, अगम भरी अगम भरी अगम देवी दर्शन कैसे हो, नदिया अगम भरी। कहीं देवी दर्शन कैसे हो, नदिया अगम भरी, कोई था ही नहीं, सुखे था सूखो पड़ो। धन्य माताओं देखिए तुम्हारे अजीब प्रकार के गीत हैं। तुमने कि भगवान, अरे देवी महारानी जी तो झूठो ही तुम्हारो गीत होती। तले का भो एक बैल बड़ो प्यासो, वो एक और गड्ढा में जो पानी है तो वो पानी पीन पहुंचियो, एक बैल ने उधर खींचो, एक बैल ने उधर खींचो, बैलगाड़ी जो थी वो पलट गई। अब कोई माता उधर गिरी, किसो करिहाय में चोट लगी, किसो की पहुंचा में चोट लगी, लेकिन बूढ़ी अम्मा जो ढोलक बजौती थी लड़िया पर, उनकी ढोलक नाई बंद, मुँह में दाँत हुए तो एक नाई भसर भसर बतलाती चली जाती गौती, लेकिन करौटियानी एक और पड़ी है। गीत बदली गो, कैसो गीत बदली गो, जो बात सहयती बहे निकलने लगी। सुनो राजपूत भैया, कैसी बात निकली, कहने लगी जैसे कहा कि देवी दर्शन कैसे हो, नदिया अगम भरी पहले कहा थी, देवी दर्शन कैसे हो, नदिया अगम भरी। अब जब लड़िया लौट पड़ी तब एक घाय करौटिया नहीं परी, ढोलक नाई बंद है, चोट लग गई, गाउन लगी बिचारी, देवी दर्शन कैसे हो। अब क्या बात है, देवी दर्शन कैसे हो, लड़िया लौट परी देवी दर्शन, देवी दर्शन कैसे हो, लड़िया लौट परी। भला बताओ माता तुम्हारे ऐसे गीत है, न कहूँ नाक न कहूँ पूछ, अब का बता मैं। हाँ अरे हम तो नकटा सुनाने के लिए जा रहे, कहाँ पहुँच गए हुआ, भला बताओ। गाइन देविन के दुई छंद तुरत ढोलक कर दीनी बंद, कहीं अब बहनी खाई पकाई, सांझ का नकटो दिखियो आई, करने लगी सब कि जल्दी से संझा हुई जाए, नकटो शुरू करें, हाय नकटो। बीत गौ दौसु आई गई सांझ, बजी ढोलक गारानी झांझ, इकट्ठा आंगन मा सब भई, रात आधी लहु गावती नहीं, सभी आंगन में इकट्ठी हुई गई आई वो नकटो नाई का गई, तैयारी करती हैं, चलो ढोलक से लो, आधी रात लो गावती रही, यानी इधर उधर के अपने गीत। धन्य माताओं कैसे तुम्हारे गीत हैं। अब देखिए माताओं कैसे गीत होते हैं। एक बार एक लड़की की जो देखा है, एक यहाँ जब शादी हुई, शादी होने के बाद में एक लड़का हुआ, तो आज वो क्या गा रही है कैसे, कि ना नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लाला भये, ना नदिया ये फुहरों के गीत हैं, फुहरों के। ननद क्या होती है, ननद को सनद के समान रखना चाहिए। अब लेकिन भाई का गौती, ना नदिया न अब मेरे अंगना, हमारे घर लाला भैया, कौन मेरे कूटई कौन मेरे पीसई, कौन मेरे कौन जो घोटई हरीरा, हमारे घर लाला भैया। कौन मेरे पीस है, अब भला बताओ उनके कौन कूटे है, कौन पीस है, तो देखो कौन कूटे। सासु मेरी पीस है, ननद मेरी कूटे। अरे
सैया जय घोटई हरीरा, यानी अपने आदि में कह दे अपना नहीं कोई काम कर सकते। अरे सैया जय घोटई हरीरा हमारे घर लाला भय, ये फुहरों के गीत होते हैं। अब हम तुम्हें बता ही देंगे निशानी और फुहर की, वैसे हम बता ही चुके ए साइड में, लेकिन अब थोड़ी सी और एक है। एक बार की बात, एक फुहर बैठी अपने दरवाजे पर, तो जैसे डेहली के ऊपर बैठी तो एकदम से उसे गाने की उमंग आई। गाने की जब आज उमंग आई है उसे, तो उसने देखा कि अब थोड़ा सा गाना गा लें। तब तक मूड में उसकी खुजली पड़ने लगी। जब मूड में खुजली पड़ी तो उसने गाना उठाया, कौन सा, कि जिया बेकरार है छाई बहार है। अच्छा, मूड में जुआ काटे थे का जिया बेकरार है, अब तले ऐसे मूड टटो हो अंगुरिया में चट देखो जुआ पकड़ लो। हाँ जुआ पकड़ो, तब का बोली छाई बहार है, यानी जब जुआ कटे वो बंद कर दो पकड़ लो, तब तो बहार तो छाई है जी। अब लेकिन जब वो जुआ पकड़ के अपने नाखून पर धरो, तब का बोली अरे आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जय फुहर में गाना, ओहो कहाँ भूल यार, नकटा सुनाने के लिए जा रहे थे ना। बीत गौ दौस आई गई सांग बजी ढोलक घरानी झन, अब जैसे देखा आधी रात तक गाती रही सभी नकटा में, तले मन को राजा की सोए कहनी अब बहनी नकटो होई। हाँ देखो, अच्छा देखो मनकोरा बहनी आएगी ना, अब यहाँ पर निकली अब नहीं, अब नकटो होई मनकोरा, उनको नकटो कोई मशहूर है नकटो हो तो, अब तुम्हें हम बता मैं कैसो नकटो हो तो उनको कैसो नकटो। सुनो बिटे वन बांधी गल गल घींच, गल गल समझो तो घुंगुरू, इन्हें गल गल जो बैलन के बांधी जाते ना घुंगुरू, वही से भाई चौरासी जी ने बोलते भाई एकदम से लई। अब आज जो बिटी आती उन्हें अपने अपने सभी किसी ने कमर में बांधी किसी ने गले में बांध ही लें, अब कहा लगे हाँ अब नकटो हो। बूढ़ी आती कहीं मरी पच जाए ना, हमें भैया जो नहीं को लगत बसर बसर यूं बतलाने लगी, तो उन्हें अपनी आँख ही बंद कर ली। कैसे बिटे बन बांधी गल गल घींच बूढ़े बाप बैठी आँखी में, अब लेकिन और रुका बड़े बहनोई घर पर रहे परोठे पलिका डारे पर, हाँ बड़े बहनोई घर है मां धन्य भगवान, बहनोई उनसे देर में चले काहे, बहनोई तो नकटो दिखैया नकटो। अब जैसे ही हुआ देखो घर वाले ने कही बारात चली गई, जीजा तुम जइयो ना बारात करे, अब हम आए हैं बाहर से और कुछ थक गए हैं, इसलिए अब हम सवेरे बारात चले जइबो, अब ही ना जइबो, तो बेचारे बरोठे में पलका डाल लो, अब इशारा में होने लेट रहे भाई कैसे जबैया भाई, तो नकटो दिखैया नकटो। अब जैसे ही देखा बहनोई घर में आराम से बरोठे में पलिका डाल लो, अब ऊपर से आज ऐसा वो वस्त्र लिया, वो अपने ऊपर से चदरा डाला जो कि दिखाई देता रहे भाई, तो नकटो दिखैया। तो बड़े बहनोई घर पर रहे बरोठे पलिका डारे परे, अब जैसे देखा हुआ अब बहनोई को ता बात ही निराली है, बहनोई के पल्ले में भैया का भून पर है, बहनोई है ये सो बहनोई शब्द यही सो हो, जैसे देखा एकदम से सराहा जाओ सारी पहुंच गए भाई ता निरालो प्रेम को अति बहनोई से, कैसा तले जाओ जम घटु आयो तीर भाई सराहा जा सारिन की भीड़, सराहा जाओ सारी सब आज आई गई इकट्ठी हुई गई, अब कहने लगी बहन ऐसो करो कने का करें, देखो जीजा सोता है कि जगता है, एक धीरे दबे पायन धीरे 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 पहुंच गई, देखो जीजा वो पहुंचता था, जीजा
जीजा मटाई मारी गए, जीजा कहते बोले ही नहीं, कहा थे जीजा नकटो दिखाई ऐसा ना जगह जी कहते बहरा लेट हो जाए, लेकिन जो ना जानी जीजा को हाल उकाऊ हुई ही। जीजा आज हुआ लेटे चुपके से तो देखा एकदम से आगे की ओर बढ़ी है, सर आ जाए पहुंची, अब जीजा को हाथ पकड़ लो, जीजा ओ जीजा, जीजा ना मुझे नींद आओ, अच्छा छोड़ो 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 मुझे नींद, अच्छा अच्छा सो जा सो जा, कहाँ लगी सो करो जी, इन्हें संगतन नकटो हुई जाए। अब जैसे ही आज देखा तो क्या किया, सराहजन पहुंचा लीनो था में, सराहजन जीजा को हाथ पकड़ लो, टांग दई पार्टी माजा बांध पांग दई, सराहजन ने पहुंचा आज पकड़ लो, जीजा तो मटाई मारी गए, तले टांग लई, अब टांग ले करके आज पार्टी से बांध, अब जैसे पार्टी से बांधी अब कहा लिए अब का करें, कहले तुम्हें नहीं मालूम अब का करियो, अब ऐसो करो, कहले का बंधी दुई दिन की भूखी भैंस, पड़ोसे में इसे बरोठे में यह भैंसी बंधी थी, दुई दिन की बेचारी भूखी बराती है, सलीम बात बारात का मामला था तो इसीलिए उसे चारा पट्ठा हो नहीं पाया, अब कहा लगे ऐसो करो एक टांग जीजा की भैंसी के पाए में जोत दे, हवा ठीक कही जीजा को तमालू मुझे नकटो कैसे देखो जाते, अब धन्य भगवान, अब उधर ढोलक बजत जाए गीत हो जाए, कैसे गीत हो, अरे मेरो दे दो हरे रुमाल पैया जीजा तेरे परू, यानी जीजा के लिए गाली हो जाती, मेरो दे दो हरे रुमाल जीजा तोरे पैया परू, सोने की थारी में भुजना ले आई, सोने की थाली में जई ले मेरे जीजा आज तुम्हारे पैया पर, जीजा मटाई मारे कतई नहीं बोले कतई नहीं, तले हुआ काबो एक टांग ली, हाँ कैसे बोले और कबे दम नकटो दिखाया, लेकिन भैया जैसे देखा एक टांग लई और भैंसी आके उसमा जोड़ दे, तले का भाव सारी न दई भैंसिया छोरी गले से जंजीर निकाल दे, अब भैंसिया ने कही ओ चलो बंधन मुक्त भाई चलो चले को किसो खेत में खाई चले, सारी न दई भैंसिया छोरी दैन जीजा की टांग मा जोरी, केला पलिका तीर भैंस ने जैसे देखो वो छुटी गई एकदम से छुटी, अब छुट करके भाग खड़ी हुई, अब जो भागी तो जीजा संगम पलका सुद्धा कढ़िलती चले, लेकिन वहां गेटम कैसे गेटम पलका गो इज्जी, अब जैसे ही पलका इज्जो भैंसी उन्हें लगाई दो जोर, अब जैसे भैंसिया ने जोर लगाओ जीजा बीच से अर्र एकदम से चीर, बीच से चिर गए, अब आधे जीजा तो मैं पलिका में बंधे, अब आधे चले जाए भैंसिया संग, भैंसिया हुआ जाए कि दो तीन एकड़ के सब गेहूं बर्बादी कर दे, मारी फिर दौड़े फिर बहका पीछे हमारे कौन बंध हुआ होती तो बड़ा खूंटो ना ही होती, बाज सोचे चले क्या देखा है, भैंस पुंद केला पलिका तीर बीचते जीजा को दो तीर, सोचा एकदम से जीजा थो बीच से चिर गए, अब हुआ नकटो गाओ जाए हुआ जीजा की जाहले दुआ नकटो गाओ अंधा धुंध, अब कैसा नकटा, धन्य है माताओं, माताओं के गीत बड़े निराले, देखिए हमें एक बात याद आ गई कौन सी, कि आजकल गीत बहुत चलते हैं जिस समय किसी के यहाँ कोई शादी विवाह होता है ना, अब अक्सर करके शादी विवाह में ऐसे गीत गाए जाते, कैसे सुने कि एक बार की बात एक लड़की की शादी, और उस लड़की की शादी में औरतें सभी इकट्ठा हुई तो बारात आने में कुछ देरी थी, उधर कुछ माताएं जो थी वो लैट्रिन के लिए पहुंची,
लेकिन अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि जिस टाइम हमारी माताएं हाथ में लोई काटती और फिर उसे बोलती हैं, तब एक गीत गाती हैं। वो कौन सा गीत? अब देखिए जरा माताओं, ये विचार करें कि शब्द तुम और कहती हो लेकिन उसका अर्थ और है, और शब्द कुछ और कहती हो। कैसे कहती? यज्ञ पूरन कैसे होई, अरे आभा कैसे होई पति का मेरी राखी में। यज्ञ पूरन कैसे होई, अरे आभा कैसे होई पति का मेरी। धन्य माताओं, अरे माताओं क्या ही गाया तुमने। यज्ञ पूरन कैसे हो या कैसे हो पतिंगा मेरी, बोलो पतिंगा शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है प्रतिज्ञा मेरी राख ले। और माताएं क्या कहती हैं? सुनो भैया ना वर्मा जी, कि कहते पतिंगा मेरी राख ले, लेकिन शुद्ध शब्द है प्रतिज्ञा मेरी राख ले। तो वो आज गा रही, लेकिन ये कब से चालू हुआ कि माछी और मकरी रानी तुम ना ही मानी? जानते हो एक कड़ी कब से माताओं ने बना दी? सुनो, वही लड़की की शादी, कहा लेंगी जिजी एक काम हो, कहने का कहीं हमें तो कुछ टट्टी की शोभा लगत। टट्टी? हाँ हाँ, तो हुई ना बुझे तो चट लोटा उठाओ। अब चल रही हूँ वहाँ से खेतन पर लैटिन करने के लिए। अब जैसे चले तो एक दूसरी जो थी भाई कहाँ लगी, चले अधम होती कुछ शोभा लगत तो वो चले जाते, तो चलो ना वायु संगम हुई लें। दूसरी बोली अब वहाँ तो भाई जमघट होता है, यानी ढेर सी आज औरतें वहाँ इकट्ठी होती जिस समय जब कोई शादी विवाह होता है। तो दूसरी काली हम चलें, तीसरी काली हम चलें, आई तरीका से एक लोटा संगम हुई गई वहाँ आठ नौ। जब नौजनी हुई गई लोटा एक खेतन पहुँच गए। अब हुआ बीच में लोटा धल लो चारों गिद्दी बैठी गई। मैंने पहले बताया था कि एक लोटा है संग में जल का, दस फिरने को जाती मानव दीखे कलश पूजनी। आई सो मालूम हो लगो कि जब यहाँ कलश पूजा होती, जब ये देखा तो उसी टाइम क्या हुआ कि बातन बातन में याद रही नहीं और ध्यान कुछ रहो नहीं, तब तक एकदम से देर हो गई। हुआ सहनाई बजने लगी, बैंड बाजा बजने लगा। कहा लगा अरे जीजी हाई हम तुम यहाँ बैठी रह गई बातें करती करती, अब तले बाद हुआ बराया था ये घर वाले बड़ी चिंता में हुई, अब एकदम से चिल्ले ही तो इसलिए अब क्या करियो। कहा चलो जल्दी चले, और उनने अपने घाई लोटा खींचो, उनने अपने घाई लोटा खींचो, लोटा खींची हम उनने पाओ उनने पाओ लोटा सब फैली गो। हाय जो लोटा फैलो बिचारी कहाँ लगी अब का करें, अरे कहीं जल्दी ऐसे चलो ना, फिर घर में बड़ी मार हुई ही दादी पीस पीस कहाँ लगी। कहा लगे चलो, अब पहुँच गई तले देखा कि घर वाले सभी कहने कहाँ गई थी, बोलो बोलो जल्दी बोलो कहाँ गई थी। कहूँ नहीं हुआ गई थी, अब नहीं बताओ। तो कहने लगी ठीक है जल्दी चलो, अब चल करके आज वो खाना बनाओ। तो पहुँच गई, अब न सोचो अब न कुछ ना हाथ धोए उसे पहुँच गई, अब बेलन लगी। अब जब बिलती जाती है माछी अंधा धुंधु लगें, तो मालूम है कि जब कोई गंदगी लगी तो माछी वैसे भी लगती। तब आज गौती का गौती यज्ञ पूरन कैसे होई, अरे आभा कैसे होई पतिंगा मेरी राखी। अब गाने की हुई है कि कैसे पूरन हुई, काहे बैठा हुआ हगे बैठी, लेकिन उन्हें कड़ी तले का देखो माछी मारी खूब भिन भिनाई अंधानु ते भाई गांव ले उन्हें कड़ी बना दी। कौन सी माछी अब मकरी रानी तुम ना ही मानी। हाँ तुमने माने ना, खेत में दौड़ी हमारे संगे में चली आई है, भला बताओ। माछी अब मकरी रानी तुम ना ही मानी, यज्ञ पूरन कैसे होई, अरे आभा कैसे होई पतिंगा मेरी। ये गीत माताओं के, धन्य माताओं धन्य माताओं, अजीब ढंग से तुम्हारे गीत हैं, कहीं भी कुछ और लेकिन लिख भरी कुछ और देती, कहीं कुछ और देती। अरे हम तो भूल ही गए थे कहां नकटा सुनाने के लिए जा रहे थे। तो जैसे आज देखा उसी टाइम क्या हुआ, अपने उसे नकटे पर ध्यान ले आइए, क्या हुआ कि सारी न दई भैंसिया छोरी। जब देखो आधे जीजा में बंधे और आधे भैंसिया में,
सारिन दई भैंसिया छोड़ दई जीजा की टांग मां जोड़ी भैंस कुंड केला पलिका तीर बीचते जीजा को तो तीर अब जैसे ये देखा जीजा बीच से अर्रद चिरी गए अब हुआ मेरोन हल्ला देखो कीन और तई जब जानी की जीजा बीच से चिरी गए तब एकदम से कही एकदम से जोर जोर से चीखने लगी चिल्लाने लगी और कहने लगी वो बहना हाय अब का हुई और बड़ी जोर से रोने लगे हैं मेहरुन हल्ला देखो कीन खबर नहीं उठ के काहू लीन अब हुआ मार्ग बड़ी जोर से शोरगुल होने लगा सब रो में लेकिन किसी ने उठ करके खबर ना ले क्यों खबर कैसे ले हुआ तो भीतर तो दूसरी बात हुआ गीत तो हुई रहे अरे माताओं कौन कौन से हम गीत तुम्हारे सुनाएं अब बोलो सुनो माताओं के इनके गीत होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि अंधे धुंधो अपने ऐसे बनाई लेने लगी एक बार की बात हुई कि कहा अरे कहा लगी जिजी कहीं हाँ कि अगर हमारे लल्ला की शादी हुई जाए तो हम देव इनकी चंदियाँ गुलगुलियाँ और बनाई भाई ऐठ गुंठ बनाई जाए तो करो इठौरा इठौरा ना कही इठौरा बनाई के हम देव इनका चढ़ाई हो जाए फौर नहीं जाए कहने की अच्छा तो भगवान की इच्छा से उनके लड़के की शादी हुई गई तो जब शादी हुई तब आज बूढ़ा माता गई घर भरे में कहीं आई कि देखो ऐसा करियो जी जी चले हुआ चली और देवी ने हुआ अब चल के हुआ देखो मैंने गुलगुलियाँ बनाई और देवी ने हुआ चल के अब जी मार गई पहले हाँ हाँ सुखाबो चली नहीं कहा तो आज भाई ऐठी गुंठ गई ठौरा भी बनाए गए उसके बाद में तने कढ़ाई आ उसी धरी थी पूड़ी बनाई गई तो आज वो कढ़ाई रखी हुई तो कहाँ लगी अब जब कही जी जी ये कढ़ाइया का तो हमारी माताओं का कहना है कुछ नहीं जी जी हम कहा बता में जब कढ़ाइया तक लिगरी रह गई थी तो हमने के अलावा ही माता ने को लपसी बनाई लें या हलवा कोई तो हलवा कहते कोई लपसी हलवा और लपसी में थोड़ो अंतर होती कैसो अंतर हो हलवा होती करो करो और लपसी होती ढीली ढीली बस इतना ही होती तो आज जैसे देखा तो बस यही अंतर बताई दो हलवा करो करो और लपसी ढीली ढीली तो कहा चलो जी जी आज चले हुआ देवनी मंदिर पर अब चले के बस हुआ उन्हें जिमाई दी ना कह दे मनौती है अब हाँ 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 चलो ना पहुँच ही गई कोई बूढ़ी कोई बहिनी कोई बिटिया सभी पहुँच गई जाए अब जैसे ही वहाँ पहुँची तो आज ले ढोलक हाथ माँ अब देखो गीत गाने लगी अब देखो गीत कैसे हैं।